रामपुर में कांग्रेस के अल्पसंख्यक मामलों के प्रदेश सचिव फैसल खान लाला ने पूर्व मंत्री आजम खान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल राम नाईक से आजम खान के विरुद्ध वक्फ की संपत्तियों के मामले में जांच कराकर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया। राम नाईक पत्र लिखा था। राम नाईक ने फैसल लाला के लिखे पत्र पर संज्ञान लेते हुए आजम खान के खिलाफ जाँच बैठा दी। देखिए, वफ मिनिस्टर रहते आजम खान ने जनपद रामपुर के अंदर तमाम वफ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे कर लिए। एक वफ की प्रॉपर्टी है 157 यतीम खाना रामपुर, उसमें 40 से अधिक परिवारों को बलपूर्वक पुलिस ने मारकर बाहर निकाल दिया और उस प्रॉपर्टी पे आजम खान को कब्जा दिला दिया। वहाँ आजम खान का निजी स्कूल बनाया जा रहा है। एक वफ की प्रॉपर्टी है 72 और एक है 204 टांडा के अंदर। ये वफ की दोनों संपत्तियां एक ईदगाह के नाम से है वफ की हुई और एक मस्जिद कोना के नाम से वफ की हुई है। इन दोनों संपत्तियों से वफ बोर्ड को 8,75,000 रुपये सालाना की आमदनी थी। इस प्रॉपर्टी को जौहर ट्रस्ट को अवैध रूप से आवंटित कर दिया गया कुल 1 रुपये सालाना में। यह मामला है। और दूसरा 26A यूसुफ गार्डन के पास एक वफ की संपत्ति है। इसको आजम खान ने अपने करीबी सहयोगी शाहजेब खान और उनकी पत्नी नरगिस के नाम करा दिया और अपने बेटे को स्लीपिंग पार्टनर बना दिया इसके अंदर। और उस पूरी वफ की प्रॉपर्टी को 3.5 एकड़ भूमि है वो करोड़ों रुपए की, उसको इन्होंने बेचकर प्लॉटिंग कर दी और करोड़ों रुपए अर्जित कर लिए। साथ ही रामपुर के अंदर जितने सरकारी भवन हैं वो सब इन्होंने कौड़ियों के दाम अपने जौहर ट्रस्ट के नाम करा लिए। इन सारी ही प्रॉपर्टीज की जांच के लिए मैंने प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी को पत्र लिखा था 27 मार्च को। उस पत्र पर संज्ञान लिया गया है और उस पर इंक्वायरी सेट हुई है। तो मैं समझता हूं कि आजम खान जैसे जो स्वयंभू अपने आप को मुसलमानों का नेता कहलाने की कोशिश करते हैं, उनका चेहरा सामने आना चाहिए कि वो किस तरह से मुसलमानों की वफ की हुई जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। उनके खिलाफ जांच होना चाहिए और दोषी सिद्ध होने पर ऐसे शख्स को जेल में डालना।